इसमें तो प्रोडक्ट ही नहीं है, ये तो फ्रॉड है। ये क्या स्कैम है? फ्रॉड किया, फ्रॉड है गाइस, फुल फ्रॉड, फ्रॉड है गाइस, देयर आर फुल फ्रॉड, फ्रॉड किया। YouTube channel, I hope you all are doing well. Good morning, नया दिन है, नया vlog. सुबह के बज रहे हैं 8 और आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो आज है मेरा व्रत, तो आज हम पूरे दिन व्रत करने वाले हैं और ये व्रत खुलेगा कल सुबह, तो आज पूरे दिन फल और साबुदाना खाया जा सकता है, खाना नहीं खाने वाली है। सो अभी सबसे पहले सुबह का काम है कि हमें पूरा घर साफ कर लेना है और फिर नहा के अच्छे से तैयार होके करनी है पूजा। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं महादेव के नाम से, क्योंकि आज का दिन है महादेव का, तो हर हर महादेव, आप सभी को श्रावण मास की बहुत 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 शुभकामनाएं और आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सावन का पहला दिन बहुत अच्छा हो, आप सभी का व्रत बहुत अच्छा हो और उसका फल आपको मिले। तो अब इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पहले मैं लोगों से परेशान थी और अब मैं इस बर्डी से परेशान हूँ। ये सुबह से आके यहाँ बैठ जाती है और चहचहा, इसकी चहचहाट मुझे पसंद है, लेकिन जब मैं व्लॉग कर रही होती तो कुछ दिक्कतें आती हैं। हे बर्डी, गुड मॉर्निंग, अब तुम रोज मेरे व्लॉग में आती हो, या पार्टनर, बट प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करो, जब भी मैं व्लॉग करूँ प्लीज़ शांत रह लिया करो। तुमसे अच्छा तो मेरा ओली है, लेट्स मीट ओली। हे ओली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओली, तुम्हारा भी फास्ट है आज, तुम्हारा भी फास्ट है, तुम्हारा भी फास्ट है। इसको ये डिब्बा दिख रहा है नीचे, सी 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 सी। ओली इज द चट्टू, ओली इज अ चट्टू, ओली इज अ चट्टू। ओके लेट्स डू ब्रेकफास्ट। हैप्पी से थैंक्स ओली, से थैंक्स, से थैंक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता ना ओली, चट्टू ओली। सो आई एम ऑल फ्रेशन अप एंड बारिश की वजह से पानी बहुत ठंडा था, तो आज मैं वेयर करने वाली थी एक ग्रीन कलर का कुर्ता, क्योंकि बोला जाता है सावन का महीना जो कल से लगा है इसमें ग्रीन कलर पहनना चाहिए, सब लोग ग्रीन कलर पहनते हैं सावन के महीने में, लेकिन मुझे आज प्रॉपर सूट पहनने का मन था, तो टुडे आई एम वेयरिंग दिस सूट जिसमें कि गुलाबी सलवार है, ऑरेंज कुर्ता है, एंड ये दीदी की शादी में हम किसी को देने के लिए लेके आए थे, लेकिन इसका दुपट्टा जो है वो मुझे बहुत पसंद आया था, लुक एट दिस, और मैंने फिर इसको स्टिच कराया, उसके बाद मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, मैंने ये मम्मी को दे दिया, तो ये अभी मम्मी पहनती थी, लेकिन आज मेरा प्रॉपर सूट पहनने का मन था, दैट्स व्हाई मैंने आज ये सूट पहना। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। सो अभी फिलहाल मैं अपने बालों को थोड़ा सा सुखा देती हूँ और जैसे ही मम्मी नहा के आते हैं फिर हम करेंगे पूजा स्टार्ट। आज आपने साड़ी कितने दिन बाद पहनी है? अच्छी नहीं लग रही क्या? लग तो अच्छी थी, लेकिन कितने दिन बाद पहनी है? खुद को भी याद नहीं होगा कि कितने दिन बाद पहनी है साड़ी। बढ़िया लग रही है, मैं देखना चाहती हूँ आप दिन भर इसे पहन पाएंगी कि नहीं। पहले वो बर्ड बोल ले, उसको तारीफ करनी है आपकी, उसको आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रही हो। बैठी है वो, वहीं बोल रही है, साड़ी में सबसे सुंदर लगती हो, साड़ी में सबसे सुंदर लगती हो। अरे एकदम आज तो स्लिम लग रही हो। Thank you.
घर की पूजा हो गई है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ मंदिर में पास में जल चढ़ाने के लिए घर के पास में, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन मम्मी ने यहाँ पे थाल रेडी कर दी थी और वो अकेले लेके नहीं जा पाते, इसीलिए अब उनके साथ में जा रही हूँ। इसमें है दूध, कच्चा दूध है, और ये है बेलपत्री, फूल, टीका, अगरबत्ती। तो अभी मैं जल चढ़ा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मंदिर से पूजा करके हम आ गए वापस और मैं अब लूंगी पानी की पहली सिप सुबह से। अभी 11:30 बज रहे हैं। तो आज व्रत के फलहार में है साबूदाने की खिचड़ी, आम, और इसके साथ हम देखेंगे अनुपमा। तो मैं फलहार करने बैठी ही थी और इतने में कॉल आया कि आपका पार्सल है, सो पहले रिसीव कर लेते हैं। कर लिया मैंने, लेकिन पहले फलहार करेंगे फिर इसको अनबॉक्स करेंगे। इसमें तो प्रोडक्ट ही नहीं है। सो आई जस्ट ओपन, और अच्छा हुआ मैंने अनबॉक्सिंग के लिए ये रखा हुआ था कैमरा ओपन, सो मैंने जैसे ही ओपन किया, और मैंने मंगाया था यहाँ पे, मैं आपको पिक लगा देती हूँ साइड में। सो मुझे लगा कि वो पैकेजिंग में नहीं आया, सिर्फ नॉर्मल आया, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सेल निकला हुआ है, और ये इस पैकेट में और कुछ भी नहीं हुआ, मैंने जस्ट आपके सामने इसको ओपन किया है, ये तो फ्रॉड है। सो अच्छा हुआ कि मैंने कैमरा लगा दिया था अनबॉक्सिंग करने के टाइम में, मैं व्लॉग के लिए अनबॉक्सिंग कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एकदम लाइट वेटेड है और ये ऐसे ऐसे बज रहा था, तो मुझे लगा हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ जो ट्रिमर मैंने जो मंगाया हुआ है वो होगा, वो पैकेजिंग नहीं होगी, लेकिन ये अंदर बोलेगा सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल लगा, इट्स अ स्कैम। गैस करना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या रिसीव हुआ होगा? ये देख, ये मैंने, अच्छा पता है मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी इसकी, क्या बोलते हैं कि मैं अनबॉक्सिंग डालूंगी, अनबॉक्सिंग डालूंगी इसकी, मैंने ऐसे करके खोला तो मुझे लगा जो मैंने मंगाया है वो पैकेट में नहीं आया होगा, ऐसे करके खोला, नहीं, ये पता नहीं कौन पुक्सी सैनिज की क्या है, अब ये भी देख पिचका हुआ है यार, वो हेयर रिमूवल ट्रिमर था एक ऐसा आता है गर्ल्स का जो फेसियल हेयर रिमूवल करते हैं, ये क्या स्कैम है। अभी कुछ दिनों पहले छोटू ने फ्लिपकार्ट से बाइक होल्डर मंगाया था और उसको ना यूज्ड बाइक होल्डर मिला, यूज्ड। तो मैंने जस्ट अभी कंप्लेन की है अमेजोन पे और उन्होंने रिटर्न और रिफंड का ऑप्शन दिया है, तो कल वो आएंगे इसको पिकअप करने, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको उनको इसमें क्या दूँ, ये सिर्फ डिब्बा रिटर्न है, मतलब ऐसा स्कैम कौन करता है यार। सो अभी कल का वेट करते हैं एंड आई थिंक वो रिफंड ही होगा, सो बस पैसे वापस आ जाएं, दैट्स इट। सो राइट नाउ इट्स 5 PM अराउंड एंड आई चेंज्ड ओनली टी शर्ट क्योंकि आई नीड माई कम्फर्ट, दिन भर से मैं लेटी हुई थी, थोड़ा सोने की कोशिश किया, फिर भाई का कॉल आ गया तो मैं उठ गई, उसके बाद नहीं सो पाई। अभी बारिश बंद है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एंड आज मेरा फास्ट है तो मैं कॉफ़ी नहीं पीने वाली हूँ, मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं है और मेरा दूध वाली चाय पीने का भी मन नहीं है। तो मैंने एक रेसिपी देखी थी, बेसिकली इट्स अ ब्लैक टी, लेकिन उसमें हम मिंट्स की लीव्स ऐड करेंगे एंड उसको बोलते हैं आई थिंक कटान चाय, और कटान चाय एक्चुअली मैं उसको प्रोनाउंस आई डोंट नो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगी एंड मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं अपना मूड भी लाइट अप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्लीप हो रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो एंड मेक इट। ऊपर पुदीना बहुत सारा लगा हुआ है, सो पहले उसे तोड़ के लाते हैं एंड फिर चाय बनाएंगे। तो चाय बनकर हो गई थी यार, अभी इसको छान लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी
एक्चुअली दैट टी इज नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड ऑप्शन, बट मैंने उसको कुछ ज्यादा ही खौला दिया था तो वो बहुत कड़वी हो गई थी, तो मम्मी ने तो जैसे तैसे पी लिया, बट मेरे से तो दो सिप के बाद अंदर ही नहीं ले गए, मेरी जीभ में इतना अजीब सा लग रहा था, सो मैंने वो छोड़ दी। मैं बहुत एक्साइटमेंट से मैंने उसको बनाया था क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था कुछ रिफ्रेशमेंट सा पीने का, और मैंने सोचा उसमें मिंट लीफ डालेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी मैं जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने जब मेहंदी लगाई थी दीदी की शादी में, वो मैंने किसी और के हाथ से लगाई थी। आज मैं बहुत दिनों बाद, लाइक काफ़ी टाइम बाद अपने हाथ से मेहंदी लगाने वाली, तो मैं सिर्फ ऐसे पाम पाम पे लगाऊंगी। सो लेट्स सी, जितना मेहंदी लगाना डिफिकल्ट नहीं है ना, उससे कई ज़्यादा मेहंदी का डिज़ाइन ढूंढना डिफिकल्ट है। तो अभी पहले मैं सबसे पहले डिज़ाइन ढूंढ लेती हूँ एंड फिर मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। सो हेयर्स माई मेहंदी डिज़ाइन, एंड पहले मैं यहाँ से ऐसे फुल वाले लगाने वाली थी, लेकिन मेरे को फिर ये डिज़ाइन पसंद आया, तो ये ओरिजिनल कुछ ऐसा डिज़ाइन था। लेट मी नो ये सेम टाइप कुछ हुआ है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ये कैसा लग रहा है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे इतना फाइन बना पाऊंगी, लेकिन काफ़ी सुंदर लगी ये डिज़ाइन। और मुझे ऐसी मेहंदी पसंद आती है जिसमें थोड़ा सा खाली हो और कहीं पे भरा हो, और मेरा जो स्टाइल है मेहंदी लगाने का वो थोड़ा सा बारीक, मैं ऐसे फिल्ग वाली लगाती हूँ। और दीदी का जो डिज़ाइन है, दीदी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती, लाइक उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट है, लेकिन मैंने खुद से सीखा है तो वैसे ऐसे मेरे को भरने वाली अच्छी लगती है, बट आई लाइक दीस। अच्छा लगे तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। अभी मैं सोच रही हूँ पीछे भी लगा लूँ, बट फिर पीछे ना लगा तो लूँ, लगाने पे अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं थोड़े दिन बाद ना वो छूटती नहीं और ऐसे पीछे दिखती तो मुझे बहुत अजीब लगता है। सो अभी मैं फाइनल करूँगी, पहले ये सूख जाती है और मैं दिखाती हूँ आपको ये कि कितना रंग आया इसका, क्योंकि कोन बहुत पुराना है तो मुझे नहीं पता ये कितना रंग देगा। लेट्स सी। तो अभी ये ड्राई हो गया है, इसको छुड़ा देते हैं, देखते कलर कैसा आया है। तो कुछ ऐसा कलर आया है, ऑरेंज ऑरेंज सा। कैसी लग रही है? अभी हो जाएगी। सुंदर लगी है ना, लेकिन कैमरे पे ठीक नहीं आ रही है, लेकिन कलर बहुत सही लग रहा है। रुको फ्लैश चलाती हूँ। सी, मैंने इसको पानी से भी धो दिया। तो अभी रात के फलाहार में हम खा रहे हैं साबूदाने के बड़े एंड चटनी। तो अभी हम फलाहार कर लेते हैं और इसी के साथ इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड, इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, कमेंट करके बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, खुश रहो। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।